मोदी के संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का नजारा मंगलवार भावुक करने वाला था। दरअसल कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को विदाई देते वक्त पीएम मोदी के आंसू छलक आए। उसके बाद गुलाम नबी आजाद भी भावुक हो गए। कटुता और हंगामे के लिए बदनाम हो रहे देश के राजनीतिक परिदृश्य में ये भावुक पल सुकून के बयार बनकर सामने आए। लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस लगातार तंज कर रही कस रही है और पीएम मोदी के आंसू को मगरमच्छ के आंसू बता रही है। बता दें दोनों की ओर से वही ये भावुकता लोकतंत्र को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि ये मिसाल बनेगी, लेकिन इस भावुक माहौल के सियासी मायने भी अब तलाशे जा रहे हैं। अब ये सवाल कांग्रेस उठा रही है कि क्या बिखरती हुई कांग्रेस में भाजपा की एक और सेंध है या आजाद के बहाने कश्मीर पर निशाना साधने की तैयारी है। राज्यसभा में क्यों भावुक हो गए पीएम मोदी, इस पर बड़ा सवाल है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन राज्यसभा को संबोधित किया। दरअसल मंगलवार को जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों को राज्यसभा से विदाई दी गई। पीएम मोदी ने एक एक करके गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फयाज और नजीर अहमद का नाम लिया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम मोदी के 16 मिनट बोले, जिसमें पूरे 12 मिनट आजाद के नाम पर रहे। आजाद का नाम लेते लेते पीएम मोदी इतने भावुक हो गए कि रो पड़े, उंगलियों के पोर से अपने आंसू पोंछे, फिर पानी पिया और करीब 6 मिनट तक सिसकियां लेते लेते आजाद से अपने संबंधों को याद करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छे संबंध थे, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हमेशा रहेगा। पीएम मोदी के आंसू भले ही अपने राजनीतिक दोस्त के लिए थे, लेकिन उनके सिसकी की सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। दरअसल उनके बोल में सियासत की सुई खंगाली जा रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि आजाद का बगीचा कश्मीर घाटी की याद दिलाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बहाने उन्होंने कश्मीर में सियासत की डोर साधने की कोशिश की। इसके अलावा पीएम मोदी ने आजाद से यह भी कहा कि मेरे द्वारा आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस में अलग थलग चल रहे गुलाम नबी आजाद को पीएम मोदी ने अपने पाले मिलाने का प्रयास उसी तरह किया जैसे कांग्रेस में हाशिए पर जाके प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने वक्त भाजपा ने समर्थन दिया था। अब सवाल उठता है कि आखिर गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी ने इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई। दरअसल आजाद काफी समय से कांग्रेस में शामिल हाशिए पर है, कुछ बयानों की वजह से और कुछ वजह से राहुल गांधी ने उन पर भाजपा से सांठगांठ का आरोप भी लगाया था। हालांकि उस दौर में आजाद ने इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी थी। मामला भले ही ठंडे बस्ते में चला गया हो, लेकिन शांत नहीं हुआ था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा का आंसू से भी का परिदृश्य उसी चिंगारी को और ज्यादा भड़काता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।